अगर किसी कारणवश आपने मेरी ये सीरीज मिस कर दी है तो मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लाई हूँ कि मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है अपने चैनल पर, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं और ये पूरी की पूरी सीरीज सीक्वेंशली देख सकते हैं. सो डोंट बी डिसहार्टेंड, इट्स वर्क आउट. नमस्कार, और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. तो देखते ही देखते डे 6 आ गया, द लास्ट डे ऑफ द सीरीज आ गया. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, अभी हम फ्लैग सीड्स लगा रहे थे, अभी कल मैं शूट कर रही थी, एक आदत हो गई है रोज़ रोज़ शूट करने की. पता ही नहीं चला आप लोगों का इतना सारा प्यार, इट वॉज़ अ फ्यूल. गाइज बिलीव मी, आप लोग इतने ब्यूटिफुल कॉमेंट्स कर रहे थे ना, दैट आई वॉज रियली पम्प्ड अप. मैं हर दिन रेडी हो जाती थी, ओके आज क्या रेमेडी करनी है, आज क्या शूट करना है, आज एडिट करना है, आज आप लोगों को प्रेजेंट करना है. थैंक यू सो वेरी मच. 100K हर यूट्यूबर का एक माइलस्टोन है, बट बिलीव मी आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि ये सीरीज आप लोगों ने एक माइलस्टोन बना दी है. मैं एक एक्सीडेंटल यूट्यूबर हूँ, बट बिलीव मी ये एक्सीडेंट इतना खूबसूरत हो चुका है दैट इट्स बीन अ सरप्राइज एवरी डे. हर वीडियो एक ग्रैटिट्यूड है आप लोगों के इतने सारे प्यार का. आप लोग इतना सारा प्यार मुझे और मेरी वीडियोस को दे रहे हैं दैट आई रियली रियली वॉन्ट टू रेसिप्रोकेट द सेम लव, द सेम पावर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया, शेयर किया. वो सभी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस देखी, वो एक व्यू, हर उस व्यू का शुक्रिया, हर उस प्यार का शुक्रिया जो आपने किसी भी वे में मुझे और मेरे चैनल को दिया है. गाइज थैंक यू सो वेरी मच. तो कल हमने अपने बालों में अप्लाई किया था राइस एंड हिबिस्कस का सीरम. एप्लीकेशन करते दौरान ही हमें पता चल चुका था कि रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी अमेजिंग, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वही इतनी स्मूथ थी. सुबह उठते ही आई न्यू इट कि मेरे सब्सक्राइबर्स डेफिनेटली मुझे अपडेट करेंगे कि कितना अमेजिंग उनके बालों के लिए रहा. तो मैंने उठते ही सबसे पहले अपने मेल्स एंड मैसेजेस चेक किए एंड एज एक्सपेक्टेड माई ब्यूटिफुल सब्सक्राइबर्स, आप लोगों के मेल्स एंड मैसेजेस से मेरा यू नो इट वॉज फ्लडेड विद इट. तो मैंने फटाफट चेक किया एंड ये तो होना ही था. आप लोग इतने खुश थे, आप लोगों के पिक्चर्स, आप लोगों की स्कैल्प की फोटोज, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस. आई वॉज हैप्पी, वेरी हैप्पी. जिनके बालों पे ये सीरम मैंने अप्लाई किया था, शी वॉज लाइक इतना अमेजिंग रिजल्ट है, कांट इट बी लाइक दिस, ऐसे ही रहने देते हैं, अच्छा है अच्छा है. देखिए अगर आप ऑयल थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो इस सीरम को आप अपने बालों में लीवन की तरह रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो बाल जो हैं वो ऑयली लगते हैं. बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा हुआ है कि क्या इस पर्टिकुलर सीरम को हम शैम्पू करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं. जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं और इसमें ऑयल का इस्तेमाल हुआ है तो आई वुड से बहुत कम क्वांटिटी में लेंथ पे अप्लाई कर लीजिए, स्कैल्प पे अप्लाई मत कीजिए. हाउएवर अगर आप घर पर ही हैं तो स्कैल्प लेंथ सब जगह अप्लाई करके रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पर जिनके बालों में मैंने एप्लीकेशन किया था, शी वॉज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी अबाउट द रिजल्ट. शी सेड ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही वॉश कर लेते हैं, द रिजल्ट आर अमेजिंग. लेकिन पीपल आई रियली नीड टू मैंशन ओवर हियर कि जब आपको बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट इस सीरम के मिलते हैं, आई वुड से आप डायरेक्टली शैम्पू मत कीजिए. इस सीरम की जो बहुत ही ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है उसको लॉक करने के लिए हमें इसके ऊपर एक और मास्क लगाना है एंड देन वी नीड टू वॉश इट ऑफ. कौन सा मास्क लगाएं? देखिए आप कोई भी मास्क लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम लस्टर, शाइन और डैंड्रफ को यू नो इन सब चीज़ों के लिए हम कर रहे हैं, इसीलिए आज मैं इनके बालों पर अप्लाई कर रही हूँ दही एंड अंडा एंड नींबू. तीनों के बारे में बताने के लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं इंडिविजुअल वीडियोज़ कर चुकी हूँ. दही इनके बालों को ऐसा ब्यूटिफुल कंडीशन कर देगी दैट कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, आज वही अंत होने वाला है क्योंकि दही इनके बालों को इतना ज़्यादा यू नो कंडीशन कर देगी टू बी डिसिप्लिन्ड. अंडा, अंडा तो अमेजिंग, मैंने बोला है बालों के लिए एग जो कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं. लेकिन हम तो अंडा इस्तेमाल ही नहीं करते, इट्स ओके. आप लोग बनाना का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो वेजिटेरियंस हैं वो दही और बनाना और लेमन, ये तीन चीज़ें यूज़ करेंगे. जो नॉन वेजिटेरियंस हैं दे कैन एब्सोल्युटली यूज कर्ड, एग एंड लेमन. द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर बोथ ऑफ यू, डोंट वरी. टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दिस मास्क,
वेरी सिंपल, आपको अपनी लेंथ के हिसाब से एक बोल में दही लेनी है और लेंथ के ही हिसाब से आपको एग भी लेना है। क्या हम पूरा एग ले लें? जी बिल्कुल ले लीजिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं तो आई वुड से सिर्फ एग योक लीजिए, क्योंकि वो बहुत सारा प्रोटीन होता है और प्रोटीन बूस्ट आपके बालों को मिल जाए तो ऑलरेडी आपके बाल काफ़ी ज़्यादा यू नो सॉफ्टन हो जाते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट द रेशोज, यू कैन एब्सोल्युटली प्ले विद इट। आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास एग बीटर है तो आप इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से बीट कर लीजिए, अदरवाइज आप फोक ले लीजिए और उससे बीट कर लीजिए। द कंसिस्टेंसी शुड बी यूनिफॉर्म। आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करके एक सार कर लेना है एंड योर मास्क इज रेडी। जो लोग बनाना का इस्तेमाल कर रहे हैं, आई वुड से बनाना को अच्छे से मैश कर लीजिए, हो सके तो ब्लेंड करके कपड़े से छान लीजिए, क्योंकि जो बनाना के ग्रैन्यूल्स बालों में रह जाते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम। हाउएवर, डू नॉट बी स्केर्ड। अगर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर रहे हैं तो अगर बाल धोने के बाद छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स रह भी जाते हैं, आई वुड से लेट इट बी, बाल सूखने दीजिए। जब आप कोम करेंगे तो वो एक साथ झड़ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और लास्ट में आपको डालना है आधा नींबू। टॉकिंग अबाउट दी एप्लीकेशन, मैंने इनके पूरे स्कैल्प में अप्लाई किया है, पूरी लेंथ्स पे अच्छे से अप्लाई किया है, लेंथ की एंड्स पे अप्लाई किया है, एंड उसके बाद मैंने पूरा का पूरा क्लचर से सिक्योर कर दिया। अंडा एक अमेजिंग शैम्पू अपने आप में है, तो आपको शैम्पू करने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है बिकॉज दी अंडा स्टिंक्स। जी हाँ, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो आप शैम्पू करेंगे टू गेट रिड ऑफ द स्मेल एंड नॉट टू गेट रिड ऑफ दी यू नो अंडा आउट ऑफ योर हेयर। तो आप जब पानी डालेंगे तो आपको दिखेगा दैट दी एंटायर थिंग इज कमिंग आउट ऑल बाय इटसेल्फ, खुद ही सारा का सारा कॉन्टेंट निकल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करनी होगी। लेकिन आपको फिर भी शैम्पू करना होगा, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा आई टोल्ड यू स्मेल आने वाली है। सो डे 6 पे सीरम के बाद ये मास्क आपको अपने बालों में अप्लाई करना है, 2 घंटों के लिए इसको छोड़ देना है, एंड व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद आपको शैम्पू करना है। शैम्पू कैसे करना है ये मैं आप लोगों के साथ डे 4 पर डिस्कस कर चुकी हूँ, आप चाहें तो वापस जाकर देख सकते हैं। आपको प्रॉपरली शैम्पू करना है और शैम्पू करने के बाद अपने बालों को नेचुरल हवा में सूखने देना है, ना आपको सन ड्राई करना है, ना आपको हेयर ड्रायर करना है, आराम से बैठ के फैन के नीचे नेचुरली अपने बालों को सूखने देना। तो एक बार जब आपके बाल अच्छे से सूख जाए, दैट्स द टाइम यू आर रेडी टू रॉक द वर्ल्ड। जी हाँ, आप लोगों ने अकम्प्लिश किया है ना सिर्फ ये रिजल्ट्स, बल्कि आप लोगों ने अकम्प्लिश किया है द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ लव। जी हाँ, आप लोगों ने अपना ख्याल रखा, आप लोगों ने सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा, ये सेल्फ लव ही तो हुआ। और सेल्फ लव इज एवरीथिंग फॉर एन इंडिविजुअल। अपने आप से प्यार करना, सिर्फ ग्रूमिंग नहीं, अदरवाइज ऑल्सो, आप मेरी वीडियो पर हैं, ये इस बात का प्रूफ है दैट यू रियली वॉन्ट टू लव योर सेल्फ इवन बेटर। तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए ये छोटी छोटी नेचुरल रेमेडीज करते रहिए। इस पूरे वीक में आप लोगों के जो क्वेरीज थे उनको रिवर्ट नहीं कर पा रही थी, बट बिकॉज द सीरीज इज नाउ ओवर एंड आई एम अ लिटिल बिट टेकन बैक, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अब मैं रोज़ आप लोगों के सामने नहीं आऊँगी,
बट नंदलेस मैं जब भी आऊंगी आप लोगों के लिए अमेजिंग सी नेचुरल रेमेडीज जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वो लेकर आऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड और मेरी हर वीडियो को उतना ही प्यार दीजिएगा जितना कि आपने इस सीरीज की हर वीडियो को दिया है। करते रहिए कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने बालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए। सबको बताइए सीरीज के बारे में। लेट देम कम एंड कनेक्ट विद मी एट प्रीति प्रेरणा हियर इन यूट्यूब। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड शो योर लव टू मी एंड माई वीडियोज। थैंक यू सो वेरी मच। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे विथ समथिंग न्यू अबाउट द हेयर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। सिंपल।